लंबे समय से राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं में प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति को लेकर प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिका संघ ने गांधी चौक पर मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और एडीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भी भेजा। गांधी चौक पर आयोजित प्रदर्शन के दौरान काफी संख्या में प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापकों ने नारेबाजी करते हुए जल्द नियुक्ति की मांग की है। धरना प्रदर्शन के दौरान भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष तिलकराज भी मौजूद रहे। प्रदर्शन करने आई अध्यापकों ने बताया कि स्कूलों में नियुक्ति के लिए मांग की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्री प्राइमरी कक्षों में पढ़ने के लिए प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापकों को नियुक्त किया जाना चाहिए, साथ ही प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापकों की नियुक्ति बिना शर्त बैच वाइज की जाए, साथ ही नर्सरी की योग्यता जमा दो पास व नर्सरी का विशेष प्रमाण पत्र रखा जाए, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन का कोटा दिया जाए। तो फिलहाल हम सरकार से यही ज्ञापन ही देने आए हैं अपने महोदय जिलाधीश को कि हमें आप जितना हो सके एनटीटी वालों को रखें, बाकी तो अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं हुई इसके आगे तो हम आगे सोचेंगे कि आगे क्या करना है। मेरा नाम मीना कुमारी है, मैं हमीरपुर से हूँ और हमारी डिमांड यही है कि एनटीटी के लिए हमें ही हम जो प्रशिक्षित टीचर है उन्हें रखा जाए। हम यही मांग रखते हैं, इसमें सरकार से यही मांग है कि आज हम 23 साल हुए हमें आज तक कोई रोजगार नहीं मिला है। हम निजी स्कूलों में भी अपना दे रहे हैं सारा शिक्षाएं, लेकिन हमें जो है मेन गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए और हमने इसके लिए कोर्स किया है। तो उसके लिए हम यही चाहते हैं कि एनटीटी वालों को जितना हो सके उन्हें ही रखा जाए, जो अपनी प्राइमरी स्कूल जो कक्षाएं चलाने जा रही है गवर्नमेंट न्यू शिक्षा नीति के अनुसार, तो उसमें सिर्फ एनटीटी वालों को ही रखा जाए। भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष तिलकराज ने बताया कि 1996 से नर्सरी अध्यापकों की अनदेखी की जा रही है और स्कूलों में नियुक्ति नहीं की जा रही। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जल्द नर्सरी अध्यापकों को नियुक्ति दी जाए। उन्होंने कहा कि अगर नर्सरी अध्यापकों को जल्द नियुक्तियां नहीं दी जाती हैं तो आंदोलन तेज किया जाएगा। पूरी तरह प्रशिक्षित हैं और पिछले 23 वर्षों से इनकी नियुक्ति नहीं हुई। सन 1997 में पहला बैच निकला था और उसके बाद सन 1997 के बाद कोई बैच नहीं निकला, सरकारें आती रही जाती रही। लेकिन इन बहनों की तरफ जो प्रशिक्षित नर्सिंग अध्यापिका हैं इनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। और जैसे सरकार का हम धन्यवाद करते हैं केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का कि जो सरकारी स्कूलों में प्री नर्सरी की क्लासें शुरू की जा रही हैं, बहुत अच्छा कदम है। लेकिन फाउंडेशन, मकान की फाउंडेशन, स्कूल की फाउंडेशन, बच्चे की फाउंडेशन एक बराबर होती है। जब तक बच्चे की फाउंडेशन नहीं तो वो आगे वो कैसे बढ़ पाएगा। ये जो टीचर्स हैं ये प्रशिक्षित हैं, स्कूलों में अपनी मर्जी से टीचर रखे जा रहे हैं या तो दूसरे जो जेबीटी टीचर्स हैं उनके ऊपर बोझ डाला जा रहा है, तो वो गलत है। जो जितना प्रशिक्षण बच्चों को ये अध्यापिका जो ट्रेन टीचर्स हैं वो दे सकती हैं, वो दूसरे अध्यापक नहीं दे सकते। हमारी सरकार से मांग है कि बिल्कुल नियमित रूप से इनका हक है, इनको जो है वो हर स्कूल में अपॉइंट किया जाए पूरे हिमाचल प्रदेश में। और ये जो अगर जैसे कि विषय आया कि आगे क्या करेंगे, मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि संगठनात्मक दृष्टि से संगठनों को तवज्जो नहीं दी जा रही है। मैं तो निवेदन करूंगा इस मंच के माध्यम से सभी बहनें, आज पूरा जिला हमीरपुर इकट्ठी है, नर्स अध्यापकों को ही नियुक्त किया जाए। सभी वर्ग भारतीय मजदूर संघ के साथ, मैं जिला अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ का हूँ, सभी वर्ग हमारे साथ हैं, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर जो है इनकी नियुक्ति की जाए। पिछले सालों से लेकर के आज कोई पिछले 23 वर्षों से इंतजार कर लंबे समय इंतजार कर रही है। कई बहनें गरीब परिवार से हैं, विधवा हैं, बेरोजगारी से जूझ रही हैं, लेकिन सरकारों का ध्यान जो है इनकी तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा है। यह मांग पत्र जो है इसमें सभी हमारी 4-5 डिमांडें जो है वो, एक तो पहली डिमांड जो है वो कई है, बिना एज फैक्टर के जो है इनको नियुक्ति दी जाए और रेगुलर नियुक्ति दी जाए, और साथ में जो है वो प्री नर्सरी क्लासी के लिए जो है वो इनकी जो योग्यता है वो प्लस टू रखी जाए। इसके आधार पर जो आगे भी पढ़ी लिखी बेटियां हैं या हमारी बहनें हैं अच्छी बात है, लेकिन प्लस टू की योग्यता जो इनके लिए रखी जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं धन्यवाद आपका भी करता हूं और सरकार से पुनः निवेदन करता हूं कि इसके ऊपर तुरंत निर्णय लिया जाए, अन्यथा संघ जो है भारतीय मजदूर संघ और हमारे साथ जुड़ी बहनें हैं, हमें और कदम इसके समक्ष उठाना पड़ेगा।